वेलकम टू एशियाज आईएएस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जीएस पेपर वन के एग्रीकल्चर क्वेश्चंस। सो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का कि आप ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और कैसे इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेग्रीगेशन भी किया है पेपर वन का कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह से कितने सवाल है। एग्रीकल्चर से आए हैं 12 क्वेश्चन। These are the question numbers from set A. तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जब हम बात करते हैं मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में। तो ऑप्शन क्या हमारे पॉइंट है। फर्स्ट, फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं स्पेंडिंग अलग होता है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। स्पेंडिंग होता है कि हमने खर्चा किया और इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमको उससे बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। हम एक इन्वेस्ट कर रहे, कोई चीज बना रहे, कुछ होगा। तो फर्स्ट जो है ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग है बट इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ना, PACS। थर्ड इज सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। फोर्थ इज फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स। तो ये भी जैसे MSP है वैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी सब्सिडी प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को। तो दिस इज नॉट बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ स्कीम, अ प्रोविजन फॉर द फार्मर्स, उनके बेनिफिट के लिए। फाइव, वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स बाय बैंकिंग सिस्टम, अगेन ऑन द सेम लाइन। सो 1, 4, and 5 आर एक्चुअली सब्सिडीज प्रोवाइडेड यू नो टू फार्मर्स, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय गवर्नमेंट। एंड सिक्स्थ इज सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट। सो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर, पेरिशेबल गुड्स जो है वो ज्यादा टाइम यू नो रह पाएंगे और उससे एग्रीकल्चर को बेनिफिट होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को। सो सिक्स तो क्लियरली हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे कैसे देखिए, ए इज 1, 2, and 5 ओनली, बी इज 1, 3, 4, and 5 ओनली, सी इज 2, 3, and 6 ओनली, एंड डी इज 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ऑल। सो अब हमारे ऑप्शन हमने जो एलिमिनेट किए वो क्लियरली है 1, 5, 4, and 5। 1, 4, and 5 शुड नॉट बी इन द ऑप्शन। सो ये हम अगर करेंगे तो हमारे पास क्लियरली बचता है 2, 3, and 6 ओनली, क्योंकि 5 भी हमें नहीं चाहिए। 4, 5 यहाँ है तो ये 1, 4, 5 तीनों है, ये नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। तो ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है उसके बारे में, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया ना भी हो तो भी एलिमिनेशन मेथड से आप ये आंसर दे सकते हैं। सो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती है, क्रेडिट मतलब लोन जो देती है, तो उनका कंप्यूटराइजेशन अगर होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो क्रेडिट मिलता है पूरा ये जो है पूरा एक हायरार्की होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का, तो उसका कंप्यूटराइजेशन पूरा होगा अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज आर बेसिकली एट द ग्राउंड लेवल, एट द ग्रास रूट लेवल। तो इनका कंप्यूटराइजेशन होने से एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंप्रूव होगा, उनको फार्मर्स को टाइमली क्रेडिट मिलेगा, टाइमली लोन मिलेगा, तो दैट विल इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो डूइंग दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट, कंप्यूटराइजेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये बेसिकली न्यूज में था जुलाई 2020 में, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने लॉन्च किया 5000 करोड़ स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACS बाय फाइनेंशियल ईयर 2023। सो ये जो था प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए ये न्यूज में था अभी। तो हम सोशल कैपिटल का है, सोशल कैपिटल का मतलब होता है जैसे हम कैपिटल इन जनरल बात करते हैं मतलब फाइनेंस कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं, वैसे सोशल कैपिटल मतलब क्या है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन से जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है वो पॉजिटिव आउटकम के है ना, लोग इंटरेक्ट करते हैं तो इनोवेटिव आइडियाज यू नो बढ़ती है, नो इनोवेशन आता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, तो वो सोशल कैपिटल है। जैसे फार्मर्स को भी टाइमली इंफॉर्मेशन मिले सब, तो वो बेटर अपना नो क्रॉप सोइंग में कौन से सीड सो करना चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये सोशल कैपिटल जो है वो भी अगर गवर्नमेंट डेवलप करेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होगा। और कोल्ड चेन फैसिलिटीज का तो है ऑब्जेक्टिव से, ये स्कीम भी बनाई गई है, स्कीम ऑफ कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following factors, policies were affecting the price of rice in India in the recent past? मतलब राइस जो है चावल की प्राइस को कौन सी फैक्टर्स अफेक्ट कर रही है रिसेंट पास्ट में. तो यहाँ पे फर्स्ट है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, टू गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, थ्री गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग मतलब गवर्नमेंट जमा कर रही है गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है, और फोर्थ कंज्यूमर सब्सिडीज. तो अभी चावल का प्राइस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसको किस चीजों से अफेक्ट करेगा. तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ऑल्सो प्राइस ऑफ राइस विच इज डिटरमाइंड एमएसपी राइस के लिए भी होता है. तो ऑफकोर्स अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो उससे मार्केट प्राइस पे भी असर आएगा. कंज्यूमर्स को सब्सिडीज देंगे अगर कम में दे रहे जैसे राशन में दे रहे तो ऑफकोर्स वो राइस का प्राइस उस राइस का प्राइस उतना होगा तो राइस का प्राइस अफेक्ट होता है. तो वन एंड फोर तो श्योरली है. और अगर गवर्नमेंट भी ट्रेडिंग करेगी राइस में तो ऑफकोर्स राइस का प्राइस गवर्नमेंट ट्रेडिंग से भी अफेक्ट होगा. स्टॉक पाइलिंग मीन्स गवर्नमेंट इज स्टॉक पाइलिंग राइस, तो राइस मार्केट में उतना कम आएगा तो उसके हिसाब से अगर क्वांटिटी कम है तो प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस कम होती है. तो ये जो ऑप्शन हमारे को यहाँ दिए गए हमें वो है ए 1, 2 and 4 ओनली, बी 1, 3 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली एंड डी 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली है 1, 2, 3 and 4. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है. जैसे ये राइस का न्यूज में रहा भी है कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इवन डोमेस्टिक फैक्टर्स या इंटरनेशनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं. जैसे अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी वो भी अफेक्ट करेगी. राइस टेंडर्स FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निकालती है उससे भी अफेक्ट होते हैं. मनसून के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस ऑफ राइस. और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है जैसे इंटरनेशनल ऑर्डर्स और टेंडर्स कैसे है, मनी यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इवन राइस क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा है कि कम है उस पर डिपेंड करता है. इवन ऑयल प्राइसेस से भी इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है. फिर अगला सवाल है, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस. तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके बारे में सुना ही हमने, और उसमें जो है फार्मर्स को अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट दी जाती है तो किस पर्पस के लिए दी जाती है. तो यहाँ पे ऑप्शंस है वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जा रहा है. तो वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल चाहिए. वर्किंग कैपिटल मतलब जो है फार्म एसेट्स जो है मतलब लैंड वगैरह जो भी है ट्रैक्टर है जो भी है उसे मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस. तो ऑफकोर्स ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही है. सेकेंड इज परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर्स, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है तो ये भी होना ही चाहिए. थर्ड इज कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म्स हाउस होल्ड्स. तो अब यहाँ हमें थोड़ा ऐसे लगता है ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो ये आएगा या नहीं आएगा, तो ये थर्ड पॉइंट है. और फोर्थ पॉइंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, तो अगेन पोस्ट हार्वेस्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलेगा. फिफ्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी. तो ये हमारे पांच ऑप्शंस है. अब यहाँ पे हमारे जो पांच स्टेटमेंट्स है ऑप्शंस जो दिए गए वो है ए 1, 2 and 5 ओनली, बी 1, 3 and 4 ओनली, सी 2, 3, 4 and 5 ओनली एंड डी इज 1, 2, 3, 4, 5. तो अब हमें फॉर श्योर कौन से लग रहे हैं वो है 1, 2 and 4. तो 1, 2 and 4 श्योर है बट 1, 2 and 4 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. तो 1, 2 and 4 वाले जो ऑप्शन है वो है डी. तो अगर डी है मतलब 3 और 5 भी आना ही है. और वैसे भी एविडेंट है कि अगर फार्मर्स खुद की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के लिए लोन चाहिए और मना किया जाए तो वो कैसे अपना काम भी करेगा, बिकॉज दे आर नो इन दैट सेक्शन के उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स मतलब खुद का जीने के लिए उनको कुछ चाहिए रिक्वायरमेंट हो फार्म हाउस होल्ड की तो वो मिलती है उनको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में. ये स्पेसिफिकली मेंशन भी है, हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन. तो ये देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स अंडर सिंगल विंडो फॉर, ये सारी पॉइंट है. तो यहाँ देखो पास्ट पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिस क्लियरली लिखा है ना. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड क्लियरली लिखा है. वर्किंग कैपिटल है ना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट बाकी सब के लिए, और तो ये सब इसमें क्लियरली मेंशन है कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए भी है. तो ऑफकोर्स अगर ऑप्शन ही ऐसे है तो हमको ये सिलेक्ट करना ही है. तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वन,
In the case of all cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price, MSP, is unlimited in any state, union territory of India. मतलब procurement मतलब minimum support price तो government announce कर देती है. Procurement मतलब उसको फिर उस price पे खरीदना. Government खरीदती है, Food Corporation of India as a central agency. तो ये खरीदना जो होता है, ये सब पूरा जितना भी production है वो तो नहीं कर पाती है government. तो प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड मतलब जितना है सब खरीद सकती है, कोई लिमिट ही नहीं है, गवर्नमेंट जितना चाहे खरीद सकती है. ये क्या पॉसिबल हो सकता है किसी चीज के लिए भी? नहीं. तो वन स्टेटमेंट इज क्लियरली इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज इन द केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज. अब ये नाम में ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये बोल रहे मार्केट प्राइस इससे ज्यादा होगा ही नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, मिनिमम है. तो ये कम से कम प्राइस है. मतलब अगर फार्मर्स को मार्केट में अगर बेटर प्राइस मिल रहा है तो उस पे बेचे, वो जितना अच्छा प्राइस मिल रहा है उस पे बेचे. अगर अगर नहीं मिल रहा है, कम भाव मिल रहा है, तो एटलीस्ट मिनिमम इतने भाव में तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेगी. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो सेकेंड स्टेटमेंट क्लियरली निगेट्स दैट, वो अलग ही बात कर रहे हैं. तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो हमारे ऑप्शन है वही, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो ऑप्शंस वही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू. तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू. देन तो ये एमएसपी के बारे में हमें पता होना चाहिए. एमएसपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप क्लियरली समझ जाओगे. तो प्रोक्योरमेंट कम होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है. तो एमएसपी कई बार न्यूज में आता है. एज पर ऑफिशियल डेटा ओनली 13.5% ऑफ पैडी फार्मर्स एंड 16.2% ऑफ वीट फार्मर्स इन इंडिया सेल देयर हार्वेस्ट टू अ प्रोक्योरमेंट एजेंसी एट एन अश्योर्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सिर्फ 15% आप बोल सकते हो, इतना ही जाता है प्रोक्योरमेंट, बाकी तो नहीं प्रोक्योर होता है, गवर्नमेंट इतना नहीं प्रोक्योर करती. तो ये हमारे न्यूज आइटम्स में भी वगैरह कवर किया गया है क्वेश्चन बैंक में. देन नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग. तो बायोचार प्रोमिनेंटली न्यूज में होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे भी इसके बारे में. तो बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग. सेकेंड स्टेटमेंट इज वेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. थर्ड स्टेटमेंट इज वेन बायोचार इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वॉटर फॉर लॉन्गर टाइम. एंड फोर्थ ऑप्शन आर, which of the statements given above is are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 only, C, 1 and 3 only and D, all. तो अब यहाँ पे बायोचार, एक्चुअली बायोचार का थोड़ा आइडिया भी आपको होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है नो डाउट, बट बायोचार इज बायोचारकोल, कार्बन रिलेटेड इतनी भी आइडिया होगी आपको. तो आपको ये पता होगा कि अगर चारकोल है तो वाटर रिटेंशन उसमें होता है, तो अगर बायोचार यूज होता है तो वाटर रिटेंशन होता है. थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है. तो भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट आंसर है इट इज डी, 1, 2 and 3 ओनली. तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है? वर्टिकल फार्मिंग प्रोमिनेंटली न्यूज में रह चुका है, तो ये देखिए. तो बायोचार इज अ हाई कार्बन फाइन ग्रेन रेसिड्यू दैट इज करंटली प्रोड्यूस थ्रू मॉडर्न पायरोलिसिस प्रोसेस. पायरोलिसिस मतलब के हीट करना, बेसिकली बायोमास जब हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बायोचार होता है, हाई कार्बन रेसिड्यू बनता है जो, उसको बायोचार कहते हैं. ये सॉलिड होता है, लिक्विड फॉर्म जो बनता है बायोमास हीट करके वो बायो ऑयल होता है, और गैस जो होता है सिंग गैस होता है. तो बायोचार जो है सॉलिड जो रेसिड्यू बनता है, तो ये यूज करेंगे अगर एग्रीकल्चर में तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है एसिडिक सॉइल्स की, मतलब एल्कलिनिटी कम होती है सॉइल में, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और इवन सॉइल बॉर्न डिजीजेस से क्रॉप्स को बचाया जा सकता है. तो ये बायोचार. तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नो डाउट इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज आर द एडवांटेज और एडवांटेजेस, इज के साथ एडवांटेज, आर के साथ एडवांटेजेस, ऐसे एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट वन इज सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप्स. टू इज विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन वेट सॉइल इज पॉसिबल. 3 is carbon sequestration in the soil is possible. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ये रहे. तो अब यहाँ पे बेसिकली जो है हम जीरो टिलेज कर रहे हैं, जीरो टिलिंग द सॉइल हमें समझता है, टिलिंग मतलब जो हम सीड सो करते हैं तो टिलिंग करके उसको जमीन में थोड़ा उसको
खोद के प्लाइंग करके फिर करते हैं। तो जीरो टिलेज मतलब प्लाइंग नहीं किया जा रहा है, तो प्लाइंग नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही अगर सीड्स डाल रहे तो उसमें रेसिड्यू फिर हटा निकालने की जरूरत नहीं है, तो रेसिड्यू निकालना पड़ता है प्लॉइंग के लिए, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम जीरो टिलेज कर रहे हैं तो वन ऑप्शन सही हो सकता है, तो हम इतना गैस वर्क कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब जो कार्बन कंजम्पशन है वो सॉइल में मेंटेन होता है, इट इज ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, वो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करती है क्योंकि हम निकाल नहीं रहे, तो इट रिमेन्स बायोमास रिमेन्स जो है क्रॉप रेसिड्यू रिमेन्स इन द सॉइल, सो ऑफकोर्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। तो वन और थ्री तो क्लियर लग रहे हैं और ऑप्शन भी ऐसे है, तो आंसर यहाँ पे भी एक्चुअली वन टू एंड थ्री है। तो जीरो टिलेज करते तो कहा जाता है बेटर सॉइल का वाटर रिटेंशन भी बेटर हो जाता है, तो राइस को भी क्लियरली तो ये नहीं है, बट बिकॉज वन एंड थ्री इज राइट सो द आंसर इज डी वन टू एंड थ्री। तो विदाउट नीड ऑफ नर्सरी राइस सैपलिंग्स को भी हम डायरेक्टली वेट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। टिलेज जो होता है मतलब के प्रिपेयरिंग द सॉइल, तो मैकेनिकली मतलब हाथ से ऐसे या मशीन से जो भी उसको सॉइल को ऊपर नीचे करना है हमको, ये फिजिकली एक्टिविटी करके ऐसे, तो वीड्स निकल जाते हैं जो भी है। तो ये जीरो नो टिल फार्मिंग जो है ये कोई कोई केसेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, इसमें लेबर भी कम लगता है, कोई टिलिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रैक्टर वगैरह से यूज करके कर रहे तो वो फ्यूल भी बचता है, इरिगेशन का कॉस्ट बचता है, मशीनरी कॉस्ट बचता है, तो इधर वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है ज्यादा होता है नो टिल फार्मिंग में, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, इरोजन सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। और ये देखिए नो टिल फार्मिंग हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में रहता है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बढ़ता है। वाटर हायर वाटर कंटेंट इंस्टेड ऑफ लीविंग द फील्ड फॉलो इट कैन मेक इकोनॉमिक सेंस टू प्लांट अनदर क्रॉप इंस्टेड, तो फैलो रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम साथ में दूसरा क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नो टिल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है With reference to pulse production in India, consider the following statements. One, black gram can be cultivated as both kharif and rabi crop. Two, green gram alone accounts for nearly half of pulse production. अब pulse production आप बोलोगे pulses तो काफी सारे अलग अलग pulses है, अगर gram भी बोलो तो black gram, green gram, you know कितना सारा है, जो राजमा होता है, kidney beans वगैरह, बहुत सारे दाल अलग अलग है। तो अगर हम कहेंगे सिर्फ ग्रीन ग्राम, हाफ द पल्स प्रोडक्शन ग्रीन ग्राम का ही होता है, तो ये थोड़ा खाली ग्राम भी नहीं, ग्रीन ग्राम स्पेसिफिकली अगर इतना है तो ये थोड़ा हाई लेवल पे बोला जा रहा है ऐसे कुछ, तो ये क्लियरली लग रहा है कि ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है इन द लास्ट थ्री डेकेड्स व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ राबी पल्स हैज डिक्रीज्ड। अब अगर हम टू को भी अगर एलिमिनेट करते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वन और ए वन ओनली, और ये थर्ड स्टेटमेंट भी कैसे कह रहा है कि खरीफ राबी, तो यहाँ पे बोला है खरीफ राबी में दोनों में क्रॉप शो कर सकते, तो यहाँ से ये प्रूव भी हो जाता है थोड़ा कि अगर खरीफ राबी में शो कर रहे तो ये इंक्रीज डिक्रीज की बात होती है ना, तो खरीफ पल्सेस भी होते हैं राबी पल्सेस भी होती है, ये फैक्ट है कि खरीफ में भी राबी में भी शो करते, तो खरीफ में शो करेंगे तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और राबी में डिक्रीज होगा, राबी क्रॉप्स जो होते हैं विंटर क्रॉप्स होते हैं, तो क्यों उनका प्रोडक्शन कम होगा, हालांकि एक्चुअल देखेंगे हम तो पल्सेस प्रोडक्शन राबी सीजन में ज्यादा होता है, तो ये नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हम टू एलिमिनेट करेंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, इट्स ए वन ओनली, सो इवन बाय इन्फॉर्म्ड गेस वर्क कि दिस कैन नॉट बी करेक्ट स्टेटमेंट टू, यू कैन कम टू द आंसर, द आंसर इज ए वन ओनली। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इंडिया पल्सेस प्रोडक्शन में हमें और भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इवन इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, तो 20% हमारी एरिया जो है फूड ग्रेन्स के एरिया पल्स प्रोडक्शन में है, पल्सेस प्रोडक्शन, और 7-10% प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में से 7-10% पल्सेस का है, मतलब एरिया ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है पल्सेस में, और पल्सेस बोथ खरीफ रबी सीजन में ग्रो होती है। और देखो राबी पल्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ग्राम इज द मोस्ट डोमिनेंट पल्स, नॉट जस्ट ग्रीन ग्राम, ग्राम इन जनरल इज डोमिनेंट, वो भी अराउंड 40% है, नॉट मोर देन 50%। वहां क्वेश्चन में हमारा था ग्रीन ग्राम, तो ये गलत है, तो ग्राम सबसे ज्यादा है पल्सेस में प्रोडक्शन, फिर उसके बाद तुर अरहर आता है, फिर उरद मूंग वगैरह आता है, और टॉप स्टेट पल्सेस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश, देन कम्स महाराष्ट्र एंड राजस्थान,
एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है यूपी एंड कर्नाटक। फिर एट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजरियस टू इट, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, अ लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। ये पूरा लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं ये which one of the following is that crop, ये कौन सा crop है, and the four options are A cotton, B jute, C sugarcane and D tea। तो यहाँ पे ये actually directly NCERT का question है, this is clearly mentioned in standard 8 NCERT, 210 frost free days लगते cotton को, तो frost free days ये requirement है, rainfall भी moderate rainfall की जरूरत है, आंसर यहाँ पे ए कॉटन है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लाइट रेनफॉल 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, क्लियरली मेंशन्ड है इन चैप्टर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी ऑन पेज 45। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगरकेन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, कल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बट इवन इन दीज क्वेश्चंस हम एलिमिनेशन मेथड से हम आंसर दे सकते हैं, इफ यू कीप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड स्टे कॉन्फिडेंट, एंड दैट कॉन्फिडेंस कम्स विद प्रेपरेशन। जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेपरेशन है वो हम करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, तो हम क्वेश्चन जो सामने आएगा उसको टैकल करने का कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच भी सकते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। A1, a substantial saving in seed material is made when bud chip settlings are raised in a nursery and transplanted in the main field. अब हो सकता है हमें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ये bud chip settling क्या है, नहीं आइडिया, इट्स ओके, we'll try to solve the question. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी देखेंगे, when direct planting of sets is done, the germination process is better with single budded sets as compared to sets with many buds. अब शुगर केन है, शुगर केन में बर्ड होते हैं तो हमें पता है जो बर्डिंग मेथड से शुगर केन ग्रो होता है, तो ये बर्ड चिप सेटलिंग टेक्निक जो है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर थर्ड है, बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो ये चार स्टेटमेंट्स है, अब हमारे ऑप्शन पे हम देख लेंगे, सो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दीज आर द फोर ऑप्शंस, ऑल ऑफ द अबव नहीं है इस केस में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे तो यहाँ से हम एक्चुअली थर्ड स्टेटमेंट अगर देखेंगे और सेकंड स्टेटमेंट के सिंगल बर्डेड सेट और सेट विथ मेनी बर्ड्स की बात की जा रही है, तो सिंगल बर्डेड बर्ड चिप सेटलिंग कर रहे हैं, मतलब बर्ड्स निकाल के कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ये, चिप करके मतलब निकाल के, तो वो जो बर्ड है अगर सिंगल बर्डेड होगा, एक ही बर्ड होगा, हर पेट से रीजनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, नया शुगर केन क्रॉप ग्रो होगा, तो सिंगल बर्डेड सेट होगा, क्या उसका जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होगा कि ज्यादा बर्ड्स हो गए तो उससे तो एक ना एक से तो रीजनरेशन जर्मिनेशन हो ही जाएगा, किससे बेटर होगा। तो हम क्लियरली इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बता सकते हैं, क्योंकि व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन germination percentage should be better with many buds, sets with many buds rather than with single budded set. तो ये उल्टा दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट भी है, बैड वेदर अगर होगा तो sets, when sets are directly planted, single budded set better survival होगा, एक बर्ड है अब वो कुछ हो गया अगर बैड वेदर में तो बेटर सर्वाइवल कैसे आएगा as compared to large sets, large sets का better survival होना चाहिए ना, set with many buds, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्टली उसको इंटरचेंज करके लिखा है, तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली इनकरेक्ट है। सो इफ यू बिकम श्योर दैट टू एंड थ्री स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट लग रहे हैं तो आप यहाँ पे भी आंसर क्लियरली दे सकते हैं, वन एंड फोर हैव टू बी करेक्ट, तो ये ऑप्शन है। और ये वही है, सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। तो वही मैंने कहा, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के और बर्ड चिप सेटलिंग आपको नहीं पता हो तो भी आप लॉजिक लगा के भी आंसर पे आ सकते हो, और करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, वन एंड फोर ओनली। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे ये न्यूज में था, बर्ड चिप टेक्नोलॉजी कैचिंग अप अमंग शुगर केन फार्मर्स, ये न्यूज में रह चुका है। तो शुगर केन प्लांटिंग जो होता है तो उसमें
जो टिश्यू कल्चर मेथड यूज की जाती है, तो ये काफी क्यूमर्सम प्रोसेस है, काफी सारा प्लांट मटेरियल सो करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, सीड केन को स्टोर करना वगैरह, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो टिश्यू कल्चर की जगह पे जो है हम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है बड चिप टेक्नोलॉजी। तो इसमें जितना मास सो करना है, यूज करना है रिप्रोडक्शन के लिए, वर्किंग क्रॉप ग्रो करने के लिए, वो कम हो जाता है। तो ये मेथड क्या है, ये देखिए, इसके अंदर ये जो बर्ड होती है शुगर केन क्रॉप में, जो बर्ड्स होती है उनको निकाली जा सकती है, और वो निकाली हुई बर्ड्स फिर चिप बनाई जाती है उसकी बर्ड्स की, और उसको फिर यूज किया जाता है, और चिप बनाया जाता है मतलब इट्स ऑल लेड डाउन एंड देन इट इज सोन। तो सेट्स हैविंग टू बर्ड्स ऑन जर्मिनेशन विल प्रोवाइड बेटर यील्ड, तो और लार्ज सेट्स बेटर सर्वाइवल हो गए ड्यूरिंग बैड वेदर, तो ये तो एविडेंट है एंड इट्स क्लियरली मेंशनड आल्सो हियर एज यू कैन सी, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन 1 in 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से। सो 10th क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, मतलब कौन सी प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली है एग्रीकल्चर में। तो हमारे जो नंबर्स है, फर्स्ट वन इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रो करो ताकि सॉइल के जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक ही न्यूट्रिएंट्स बार बार सींचते जाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा सॉइल में, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, इट मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी, सो इट इज इको फ्रेंडली। सो वन इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इको फ्रेंडली। सेकेंड इज लेज्यूम इंटेंसिफिकेशन, अब लेज्यूम्स का स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, बेनिफिट होता है कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है उस पर, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग इज ऑल्सो फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ला रहे हैं तो वो भी इको फ्रेंडली ही हुआ। थर्ड इज टेंशियोमीटर यूज एंड फोर्थ इज वर्टिकल फार्मिंग, तो वर्टिकल फार्मिंग फिर से भी आया है, तो 4 पॉइंट्स है ये, और हमारे ऑप्शन कैसे वो देख लेते हैं हम। तो द ऑप्शंस हियर यू कैन सी आर 1, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली एंड 1, 2, 3 and 4। तो हम 1 and 2 तो श्योरली है, तो या तो 1, 2 and 3 हो या ऑल 4 हो, तो आंसर यहाँ पे है डी 1, 2, 3 and 4। वर्टिकल फार्मिंग क्या है ये हमें पता होना चाहिए इसके लिए। टेंशियोमीटर यूजेज भी है, टेंशियोमीटर एक्चुअली डिवाइस होता है जिससे हम सॉइल मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, तो सॉइल मॉइस्चर कितना है पता चलेगा, तो वो हिसाब से इरिगेशन दिया जाए, पानी दिया जाए, तो वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा। और वर्टिकल फार्मिंग क्या है वो जरूरी है, वर्टिकल फार्मिंग के बारे में जानना, में एक पूरा आर्टिकल आया था एग्रीकल्चर इन साइंस एंड टेक सेक्शन में वर्टिकल फार्मिंग के बारे में ऑन 9th January 2020, तो वर्टिकल फार्मिंग न्यूज में भी रहा है। तो एक बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे क्रॉप्स इंडोर्स ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, है ना, जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स होता है, नॉट इन सॉइल बट इन वाटर, और एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स ऐसे, तो यहाँ हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो वर्टिकल फार्मिंग कम पानी यूज करता है, कम पेस्टिसाइड्स यूज करता है, तो इंडोर्स होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बेटर होती है और इट इज इको फ्रेंडली, तो वर्टिकल फार्मिंग इज। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था तो वर्टिकल फार्मिंग आएगा, और टेंशियोमीटर यूज भी, अगर हम टेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर देख रहे कितना है, उस हिसाब से इरिगेशन कर रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो वो भी इको फ्रेंडली प्रोसेस हुआ। तो आंसर हियर इज ऑल 1, 2, 3 and 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। तो फर्टिगेशन टर्म है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, मतलब फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं विथ वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। फर्टिगेशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नहीं भी आइडिया तो टर्म से हम अगर आइडिया लगा सकते तो बहुत अच्छी बात है। बट फर्टिगेशन हैज बीन इन न्यूज, हैज बीन नो अ टॉपिक विथ यूपीएससी टू, तो ये पता होना चाहिए थोड़ा इस बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। टू इज एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल। 3 इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल। एंड 4 इज रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। और ऑप्शंस ऐसे हैं कि 4 में से एक तो इनकरेक्ट है, अब एक ही इनकरेक्ट है, वो कौन सा है बताओ, ये हो गया। तो यहाँ पे हमें कौन सा करेक्ट है फॉर श्योर हम वो देख लेते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन वाटर के साथ डिजॉल्व करके दे रहे इरिगेशन के साथ, तो लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है साथ में ही जा रहा है, तो अलग से फर्टिलाइजर नहीं जा रहा है कि लीच ज्यादा हो सॉइल के अंदर और ज्यादा जाए, तो रिडक्शन इन लीचिंग होगा, इंक्रीज अवेलेबिलिटी होगा, न्यूट्रिएंट्स और अवेलेबल रहेंगे प्लांट्स को, और स्प्रेड आउट होगा पूरा प्लांट को, सॉइल में पूरा मिक्स होगा सही से।
efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible. अब ये second statement है. First one is controlling the alkalinity of irrigation water is possible. तो अब यहाँ पे ये है. This is clearly a difficult question. और यहाँ पे correct answer है A, one, A नहीं, B, one, B भी नहीं, C, one, three and four only because two is incorrect. Two incorrect क्यों है? क्योंकि rock phosphate को जब fertilizer को फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को वाटर में रिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लम्स बन जाता है, वो एफिशिएंट नहीं रहता है. तो टू इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब गेसिंग दैट इज डिफिकल्ट, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये देखिए, फर्टिगेशन के बारे में पहले लिखा है. प्रोसेस इन विच फर्टिलाइजर इज डिजॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विथ वाटर इन ड्रिप और स्प्रे इरीगेशन सिस्टम. तो एफिशियंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बेटर हो जाती है, पूरे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फर्टिलाइजर्स कम यूज करने पड़ते हैं, बेटर यील्ड मिलता है, लेबर एनर्जी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में जो लगती है वो कम हो जाती है, एनवायरमेंट कंटेमिनेशन कम हो जाता है, लीचिंग कम हो जाता है. लेकिन फॉस्फरस फर्टिगेशन है वो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है थ्रू ड्रिप इरीगेशन बिकॉज इट कॉजेज क्लॉगिंग, इट रिजल्ट्स इन क्लॉगिंग. तो ये IIT कानपुर की एग्रोपीडिया वेबसाइट है, से वहां से ये पूरा डिटेल है फर्टिगेशन का, ये सारा वहां से कंटेंट लिया है. एग्रीकल्चर नीड्स द सच स्पेशलाइज्ड स्टडी टू, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट स्किप सच क्वेश्चंस. और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वन, At present, the retail price of chemical fertilizers is market-driven and not administered by the government. अब chemical fertilizers जो है, fertilizer subsidy तो हमें पता है, subsidies government provide करती है, तो for chemical fertilizers government determine करती है, it's not market-driven. So one is incorrect is for sure. Means हमारा A और D option eliminate हो जाता है. Two and three only आना चाहिए या two only. अब two statement क्या है? Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. मतलब यूरिया इज अ फर्टिलाइजर, यूरिया प्रोडक्शन के लिए अमोनिया लगता है और अमोनिया नेचुरल गैस से आता है, ये कहा जा रहा है. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सल्फर, विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर, इज अ बायो प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. तो नेचुरल गैस से अमोनिया मिलता है और ऑयल रिफाइनरीज का बायो प्रोडक्ट सल्फर है, सल्फर यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए. तो बहुत ही टेक्निकल इन डेप्थ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है और वन एलिमिनेट करने से भी हमें फाइनल आंसर नहीं मिलता, बी और सी में से एक हो सकता है. Actually, यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी. सो दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर, बी इज द करेक्ट आंसर. टू एंड थ्री ओनली बोथ आर करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, वन इज फॉर श्योर क्लियरली हमें दिखता है इनकरेक्ट है, एंड टू एंड थ्री के बारे में आइडिया नहीं है पर ये करेक्ट है. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि देखिए, तो सब्सिडीज के बारे में तो कई बार न्यूज में आ चुका है कि सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, फॉस्फेटिक पोटेशिक फर्टिलाइजर्स भी अफोर्डेबल प्राइस पे फार्मर्स को अवेलेबल होने चाहिए, इसलिए भी स्कीम बनाई गई है 2010 में. तो फर्टिलाइजर सब्सिडी तो रही है और एक्सटेंड की गई है बल्कि. और ये जो हमारा है अमोनिया, अमोनिया प्रोड्यूस होता है हेबर बॉश प्रोसेस होता है, और अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस या LPG को या तो पेट्रोलियम नेफ्था को पहले गैसेस हाइड्रोजन बनाया जाता है, विच इज कम्बाइंड विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कम्बाइंड विथ नाइट्रोजन. अमोनिया इज NH3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहीं से आता है, नेचुरल गैस LPG से गैसेस हाइड्रोजन बनता है, तो अमोनिया प्रोडक्शन में लगता है नेचुरल गैस. एंड फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन, फॉस्फोरिक एसिड भी बनता है, तो 90% फॉस्फोरिक एसिड तो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फ्लोरापेटाइट, फॉस्फेट रॉक है. तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड बनता है उसमें फ्लोरापेटाइट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है रिएक्टर्स में, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो खुद सल्फर से बनता है, और सल्फर जो है, ये सल्फर जो यूज होता है यहाँ पे वो रिफाइनिंग ऑयल्स रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है, जैसे हमारे सवाल में मेंशन है कि सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. सो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ है बी, टू एंड थ्री ओनली. सो दैट कंप्लीट्स द 12 क्वेश्चंस. From agriculture. Wish you all the very best. Thank you.